चित्रगुप्त जी के नाम पर यहाँ पर चौक पे उनकी तस्वीर लगी हुई है और ये एक बहुत अच्छा काम किया है आनंद मिलिंद ने। ये लॉन्ग ड्यू था और उन्होंने करके छोड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। चित्रगुप्त जी मतलब इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतनी महान हस्ती हैं कि ये बहुत ज़रूरत थी इसकी, और इसी रोड पे रहते थे 14th रोड पे, तो ये और यहाँ मैं बहुत आती थी, बहुत छोटी थी, बट बहुत भोजपुरी गाने गाए हैं चित्रगुप्त जी के, तो यहाँ रिहर्सल्स के लिए आती थी मैं। तो ये जो रास्ता है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी मैं जब इस रास्ते पर आती थी तो चित्रगुप्त जी को याद करती थी हमेशा। और अब तो खैर जब पास करूँगी तो रुक के थोड़ा नमन, दो मिनट नमन करके निकलूँगी। चित्रगुप्त जी एक कंपोज़र, तो जिस दर्जे के कंपोज़र थे तो सारी दुनिया जानती है कि क्या क्या गाने उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे, सरल, बहुत प्यारे इंसान थे, क्योंकि मेरे लिए फादर फिगर थे, मेरे पापा समान थे, और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत इंकरेज किया, उनके बहुत गाने गाए, उनका बहुत आशीर्वाद मिला, और उनके थ्रू आनंद मिलिंद से मुलाकात हुई, और पूरा हम दोनों का परिवार एक हो गया। मतलब काम तो होता ही था, गाने तो रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन हमारे परिवारों में अच्छी मित्रता थी। तो चित्रगुप्त जी से बहुत किस्से सुनने को मिलते थे, पुराने किस्से, और बहुत बातें होती थी, बहुत याद आते हैं। और हमेशा जब मैं याद करती हूँ चित्रगुप्त जी को तो मैं इंस्पायर होती हूँ। बहुत पॉजिटिव इंसान थे, और आनंद मिलिंद से ऑफ कोर्स मेरा संपर्क बना हुआ है और बना रहेगा हमेशा। उनके सारे ही गाने बहुत एक से एक बढ़कर गाने हैं, कोई एक निकालना बहुत मुश्किल है। सारे ही गाने उनके बहुत ही खूबसूरत हैं, एक से एक बढ़कर। मेमोरी तो मैंने आपको बताई अभी कि हम लोग रिहर्सल्स करते थे, उसके बाद खाना पीना होता था, बहुत अच्छा खाना बनता था उनके घर पे, फिर आनंद मिलिंद और हम लोग गप्पे मारते थे बैठकर, चित्रगुप्त जी के साथ भी गप्पे मारते थे, वो क्या क्या किस्से बताते थे पुराने ज़माने के, कैसी रिकॉर्डिंग होती थी, क्या होता था। और तो वो सिर्फ काम तक सीमित नहीं था हमारा रिश्ता, उससे ज़्यादा था, बहुत प्यार करते थे, और एकदम मुझे लगता था कि मेरे पापा हैं, मतलब उतना प्यार, और मेरे पापा और उनकी भी बहुत दोस्ती थी, और हमारी परिवारों की बहुत दोस्ती थी, दोस्ती है। संजू रिलीज हो गई है, किस तरह? संजू के बारे में यहाँ बात नहीं करना है। देखिए ये तो मिनिमम है, एक चौक बनाई गई बहुत अच्छी बात है, मगर मैं इसको एंड नहीं, बिगनिंग समझता हूँ। ये जो संगीतकार जो हुए हैं, जो इस तरह के गीतकार हुए हैं, जो इस तरह के गायक हुए हैं, इन्होंने हमारे जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है उसको इतना एनरिच किया है, उसको इतना बहुत कुछ दिया है। इनका संगीत जो है वो हमारा धरोहर है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, और हमने कोई एहसान नहीं किया इन पर, बल्कि हमने ये बताया है कि थोड़ी हमको भी समझ है, यही बताया बस, और कुछ नहीं। और एकेडमीज़ बननी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए इन लोगों के नाम पे, और इनका काम जो है वो नई पीढ़ी को बताया जाए क्या है, और जो आज संगीत में आ रहे हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले कैसा काम किया गया है, तो इससे उन्हें भी रूट्स मिलेंगी, जड़ें मिलेंगी, जो आज मुझे ज़रा कम दिखाई देती है। देखिए मुझे एक गाना जो है चित्रगुप्त जी का, मजरू साहब का लिखा हुआ है, रफ़ी साहब का गाया हुआ है, फिल्म थी ऊंचे लोग, उसका एक गाना है जाग दिले दीवाना। वो कॉम्पोजिशन, वो ऑर्केस्ट्राइजेशन, वो रेंडरिंग, वो वर्ड, वो फ्लॉलेस, वो कमाल ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर रफ़ी साहब, जिन्होंने हज़ारों गाने गाए होंगे, उनके बहुत अच्छे गानों की लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट कितनी भी छोटी हो उसमें ये गाना आएगा। अब देखिए आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, आपको तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक कोई कड़वी बात ना की जाए, तो फिर आज जाने दीजिए। हाँ,
जी संजू फिल्म के बारे में। संजू फिल्म बहुत बहुत मैं राजकुमार हिरानी साहब का बड़ा एडमायरर हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं और एक बार उन्होंने फिर अच्छा काम किया। मैं राजकुमार हिरानी के बारे में हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ऐसी फिल्में बनाने के लिए सिर्फ अच्छा डायरेक्टर या राइटर होना काफ़ी नहीं, अच्छा आदमी भी होना ज़रूरी है और वो हैं। क्या कहना चाहेंगे सर चौक के बारे में? बहुत अच्छी बात हुई कि चौक खुला है, आनंद मिलन ने बहुत मेहनत की है एंड आई थिंक इट्स वेल डिजर्व, और इतने महान लेजेंड को अच्छा है कि सम्मान दे रहे हैं एंड इट वॉज़ वेरी गुड थिंग डन बाई आनंद मिलन दैट दे कुड डू सच अ थिंग। चित्रगुप्त जी को मैं आनंद मिलन जी के घर पे आता था जब मेरी पहली पिक्चर बनी थी मदोश और क्यामत से क्यामत तक की शूटिंग में, तो उनको देखता था और देखता था कि ये लोग कैसे साथ में मेहनत करते हैं। सो आई एम वेरी टच के दे डिड दिस फॉर देयर फादर। चल उड़ जा रे पंछी। थग्स ऑफ हिंदुस्तान की स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी, उसकी शूटिंग के लिए बैठा था, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी एंड आई विश विक्टर एंड आमिर एंड आदित्य चोपड़ा ऑल द बेस्ट। आई थिंक दे विल डू अ गुड जॉब। पिक्चर देखी नहीं अभी लेकिन इंशाल्लाह दे विल डू अ गुड जॉब। मेला के बाद दोनों भाई को वापस देखा नहीं गया, किन फीचर देख सकते हैं हम? मैं तो प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से कि एक फिल्म बने या आमिर में साथ में काम करूँ इंशाल्लाह, देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। थैंक यू। बहुत ही खुशी की बात है कि आदरणीय चित्रगुप्त साहब एक वेटरन संगीतकार थे, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो संगीत दिया है वो तो अमर है और उनके गाने, उनका दिया हुआ संगीत हमारे दिल में हमेशा रहेगा। ऐसे संगीतकार के नाम से आज चौक का स्थापना हुआ है, तो मैं आनंद मिलन जी और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिन्होंने ये कार्य किया है उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मैं भी चित्रगुप्त साहब मेरे पिता तुल्य थे और उनका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा रहा है। आज मैं जो भी हूं वो उनका आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने ही आनंद मिलन से मिलाया और क़यामत से क़यामत तक मुझे मिल गया। और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, गाने आए, फिल्म हिट हुई और भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से आपका उदित नारायण क़यामत से क़यामत तक से चल रहा है और चलता रहेगा बस। सर क्या कहना चाहेंगे? ओह यस यस, बहुत मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं एक तो पुराने ज़माने का ही हूँ और उस समय का सारा संगीत जो है मुझे बहुत पसंद है और मज़ा आता है। और आज भी मैं सबसे पहले रेडियो ऑन करता हूँ और उसमें सब पुराने गाने जो सुनाई देते हैं सारा दिन चालू रखता हूँ, तो मेरा संबंध म्यूज़िक से बहुत बहुत गहरा है। और चित्रगुप्त जी, नौशाद साहब, इन सब के गाने मैंने सुने हुए हैं, दिल से सुने हुए हैं। तो आज ये मौका मिला कि उस सभा में मैं भी हिस्सा हूँ जहाँ चित्रगुप्त जी के बनाए गाने सुनते थे, आज उनके साथ जिन्होंने काम किया हुआ है वहाँ उनके साथ बैठने का मौका मुझे मिला, तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की। मुनिन जी मेरे पड़ोसी हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ हीरा नंदानी में, इनसे बातचीत होती रहती है, बहुत नेक इंसान, अच्छे इंसान हैं और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके ये चौक यहाँ बना। और जैसे सब ने कहा कि ये कितनी अच्छी बात है कि हम अपने पुरखों को याद रखें, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने सोसाइटी में बहुत अच्छे काम किए हैं, और संगीत से बड़ा क्या काम हो सकता है जो लोगों के दिलों को छुआ है, लोगों ने उसे पसंद किया है। तो सब लोग कह रहे थे कि जगह से उनका एक बड़ा गहरा नाता है, तो मैंने जब बोला तो उस वक्त ध्यान नहीं आया, तो बाद में मुझे याद आया कि मेरा भी बहुत गहरा नाता है इस जगह से। वो आपको कहूँ तो ये, मुझे मेरी पहली फिल्म गर्दिश का जो साइनिंग अमाउंट था वो यहाँ मिला था आर डी बर्मन साहब के घर में। तो गाने का वहाँ पे रिहर्सल थी उस दिन गाने की और मुझे बुलाया गया और उनके घर में मुझे मिला वो साइनिंग अमाउंट। तो इससे इस एरिए के उस हिसाब से मेरा भी इस एरिए से बहुत बड़ा एक रिश्ता है। और बात सच है क्योंकि जब मैं भी जब आया था तो म्यूज़िकल हो या ऑफिसेज हो इसी एरिया में थे, इससे आगे ही थे, तो ये एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस एरिया में सब ने लोगों ने सीखा है, ज़रूर इस यहाँ कोई बात है। तो मुझे खुशी है कि मैं आज हिस्सा बना इस अच्छे काम के लिए। तो मैं पूरी फैमिली को, मनिन जी, आनंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और आज बच्चे कितने खुश होंगे और मुझे लगता है उनके पिता भी आज बहुत खुश होंगे। अब मुझे एक गाना जो अभी बताया था, कोई दिल को मेरे
कुछ कर गया मेरी तन्हाई में, ऐसे ही गाना था जब अभी उन्होंने बताया वही गाना मुझे याद आ रहा था। तो गाने तो उनके बहुत हैं, तो इसलिए मैं यही कहूँगा आखिर में कि पूरी फैमिली को इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा संजू रिलीज हो चुकी है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ मैं मुझे बहुत खुशी है कि ये फिल्म लोगों ने बहुत पसंद की है और मुझे उम्मीद थी पूरी कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। और मैं उसका रणबीर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्टर लगता है वो, और सही कास्टिंग चुनी उन्होंने। और मैं एक्चुअली आज जाने वाला हूँ तो मैं आज देखूँगा, और मुझे खुशी है इस बात की कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अब बाकी रेगुलर मेरा साउथ इंडिया में मैं काम करता रहता हूँ, एक सीरीज़ कर रहा था मैं पृथ्वी वल्लभ करके, वो ख़त्म हुई है। और अभी मेरी कुछ दो पंजाबी फिल्में हैं जो वो शुरू हो रही हैं अक्टूबर में। तो जैसे जैसे जहाँ भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ दिखती है और मुझे लगता है करना चाहिए तो वैसे मैं कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट भैया, थैंक यू सो मच।